दोस्तों, आज हम बनाएंगे कढ़ी। और कढ़ी के लिए सबसे पहले चाहिए छाछ और बेसन, और मैंने मिर्च और लहसुन को कूट के रख रखा है। और बाकी बेसिक मसाले तो चाहिए। और ये देखिए, मैंने मक्खन भी निकाला है आज। और इसमें डालेंगे, पहले छाछ के अंदर डालेंगे बेसन, और फिर डालेंगे कुटी हुई हरी मिर्च और लहसुन। अब इसके अंदर डालेंगे नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग, थोड़ी सी लाल मिर्च और हल्दी। और ये बहुत टेस्टी कढ़ी बनने वाली है, आप ज़रूर ट्राई करना। और आप इसको ग्राइंडर से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद हम इसको गैस पे चढ़ाएंगे। इसको हम अच्छे से 2-3 बॉईल आने तक हिलाते रहेंगे, नहीं तो हमारी कढ़ी फट जाएगी। और इसको हमने पहले ग्राइंड इसलिए किया है, उससे सारी मिर्च वगैरह अच्छे से मिक्स हो चुकी है इसमें। लेकिन मानिए, आप बहुत टेस्टी कढ़ी बनेगी। आप एक बार मेरे तरीके से बना के ज़रूर देखिएगा। इसको इसी तरह मिक्स करते रहना है जब तक 2-3 उबाल ना आ जाए, जब तक। फिर इसमें हम लगाएंगे फाइनल तड़का। इसमें हम पकौड़े भी बना के डाल सकते हैं, बेसन के छोटे छोटे, उससे भी अच्छी कढ़ी बन जाएगी। पर आज मैं नॉर्मल कढ़ी बनाऊंगी, और इसके साथ जीरा राइस। ये देखिए फ्रेंड्स, इसमें उबाल आ चुका है, 2-3 बॉयल आ चुके हैं इसके अंदर। अब इसको हम थोड़ी देर छोड़ देंगे, कम फ्लेम पे, एकदम लो फ्लेम कर देंगे गैस की। उसके बाद हम इसमें तड़का लगाएंगे, फाइनल तड़का। इसमें मैंने लाल मिर्च ली है और मेथी के दाने लिए हैं, और थोड़े से कड़ी पत्ता लेंगे हम लोग। और यकीन मानिए, इसमें मेथी के दाने डालेंगे आप तो बहुत अच्छा टेस्ट आएगा, एक अलग ही टेस्ट आएगा। और उसके बाद हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा जीरा, थोड़ी सी राई, और थोड़ी सी लाल मिर्च, बिल्कुल कलर के लिए थोड़ा सा। और इसको डाल देंगे, देखिए कितनी अच्छी कढ़ी बन के तैयार हो रही है हमारी। एकदम एकदम ऑथेंटिक कढ़ी बनी है। आप लोग इस तरीके से बनाएंगे तो बहुत यमी लगने वाली है, एक बार ज़रूर ट्राई करना दोस्तों। इसके साथ आप राइस खाइए, पराठे खाइए, और इसके साथ बाटी भी आप बना सकते हैं। बहुत यमी कढ़ी लगेगी, एक बार ज़रूर ट्राई करना दोस्तों। थैंक यू। लाइक करें, और हो सके तो कमेंट भी करें, अच्छा लगे या बुरा लगे जो भी। थैंक यू सो मच।